जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज देखिए मेरे भाई, 48 नंबर लेक्चर आपका स्टार्ट है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आपका नया है, टाइम एंड वर्क का। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए घटना चक्र की बुक है। जो ये बुक है SSC के सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे CGL CHSL MTS CPOS है, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम SSC कराती है, उन सारे क्वेश्चनों का भंडार आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। और एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत पुराने क्वेश्चन है ये, नए नए क्वेश्चन इसमें हैं। तो इस किताब को लेकर आप पढ़ाई करें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका मैं व्यर्थ ना करूं, आते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक आपका था आज का, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। उस टॉपिक का क्या नाम है मेरे भाई? टाइम एंड वर्क, ठीक है, काम और समय, क्या बोलेंगे इसको? चलिए यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आइए बारी बारी से उन क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर। देखिए पहला आपका है साधारण प्रश्न है, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। जब दो व्यक्ति किसी कार्य को D1 तथा D2 दिन में पूरा करें तो कार्य एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा? तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति कार्य को पूरा करें। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है, काम छोड़ने के भी दो तरीके होते हैं, एक शुरुआत में काम छोड़ा जाता है और एक अंत में काम छोड़ा जाता है। एक होता है अल्टरनेट काम करते, जैसे आज ए किया तो कल बी, परसों फिर ए। और यहाँ पर ठेकेदारी पर सवाल होते हैं, मजदूरी पर सवाल होते हैं, ठीक है, और अगर बात करें तो भोजन पर सवाल होते हैं। क्वेश्चनों की वैरायटी की अगर बात करेंगे तो बहुत प्रकार के, 11 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो हर एक वैरायटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए आइए अब बात करते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन की, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका, अगर टाइम एंड वर्क में अगर मैं बात करूँ, यूनिक क्वेश्चन कितने हैं तो यूनिक मेरे भाई 165 है, रिपीटेड आपके पास कितने हैं 503 है, और टोटल की अगर बात करेंगे तो आपका 668 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना यूनिक 165 क्वेश्चन पढ़ना। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपका 2023 में पूछा गया है CGL के एग्जाम में। आइए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, लिखा मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में पूरा करता है, तो वह उस कार्य का 1/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? सोचिए आप कि कोई भी कार्य कंप्लीट कब माना जाता है? जब काम कितना भाग हो? एक भाग पूरा माना जाता है। अगर काम एक भाग है तो वो पूरा माना जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि काम कितना है आपका? काम है 2/3 भाग। 2/3 भाग पूरा करने में इसको कितना समय लगता है? 2/3 भाग पूरा करने में इसको समय लगता है 24 दिन का। तो एक भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे एक भाग बराबर क्या हो जाएगा? 24, और यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से काटेंगे 12 को, 24 को 12, 12 में 12 या 36 काम एक भाग पूरा करने में इसको 36 दिन का समय लगेगा। कह रहा है काम का 1/9 भाग पूरा करना है। अगर एक भाग पूरा करने में आपको 36 दिन लग रहा है तो 1/9 भाग का मतलब होगा कि 9 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे तो 9 से काटेंगे लगेगा 4। ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया? ऑप्शन पहला सही है। ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोचिए CGL का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, इतना स्तरहीन सवाल, मतलब इस क्वेश्चन का कोई लेवल है क्या? कोई लेवल नहीं है। अगर आप चाहें, कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यदि आशीष कार्य का 2/3 भाग 22 दिन में पूरा करता है। अब सोचिए 2/3 भाग मेरे भाई 22 दिन में पूरा कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा? एक भाग बराबर क्या आ जाएगा? 22 × 3/2, 2 से काटेंगे 11, 11 तीन 33 दिन में कितने दिन में पूरा करेगा? 33 डेज में पूरा करेगा। क्या क्या रहा है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? बस 33 कहीं दिया है, ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, क्वेश्चन का लेवल आपको लगता होगा बड़ा छोटा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन एक से बढ़ के एक आपके सामने आएंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा ए अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए द्वारा इसी कार्य का 20% कितने दिन में पूरा किया जाएगा? भाई 40 दिन में कार्य को पूरा करता है, अगर पूरा करता होगा तो काम का कितना होगा? वो 100% काम जो होता है वही पूरा माना जाता है,
वही क्या होता है, पूरा होता है, 100% ही पूरा होता है। 100% पूरा करने में इसको कितना समय लगता है मेरे भाई, 40 दिन का समय लगता है। तो आप लिख दीजिए ना, 100% पूरा होने में 40 डेज लगता है। तो आपसे पूछा गया 20% अगर इसको बनाना है, अगर इसको 20% बनाना है तो आप क्या करेंगे बताइए। 20% अगर बनाना है आपको तो यहाँ पर करना पड़ेगा 1/5, 1/5 यहाँ करेंगे तो 1/5 आप यहाँ भी कर दीजिए, और 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 8 डेज, क्या आएगा, 8 डेज, 8 दिन दिया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। CHSL में पूछा गया सवाल है 2023 का। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर आइए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, ये दिया फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, लिखा है यदि A किसी कार्य का 2/3 भाग 60 दिन में पूरा करता है। देखिए 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 60 डेज में पूरा करता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, तब आपसे पूछा जाए एक भाग कितना समय में पूरा करेगा, तो एक भाग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, 2 से काटेंगे इसको 30 आएगा, और 30 दिया कितना हो जाएगा, 90। एक भाग पूरा करने में क्या लगता है इसको, 90 डेज लगते हैं। करा 1/5 भाग पूरा करना है तो 1/5 यहाँ कर दीजिए, तो 1/5 यहाँ कर देंगे, 5 से काटेंगे 90 को, 18 दिन लगेगा, क्या लगेगा, 18 डेज आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 18 कहीं पे दिया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका CHSL में है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे भाई, वो क्वेश्चन CGL के हैं, CHSL के हैं। उसके बाद देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन हैं, CPO SI के भी क्वेश्चन हैं, CPO SI के भी क्वेश्चन हैं, MTS के भी क्वेश्चन हैं। तो SSC जितने भी एग्ज़ाम कराती है हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि 2005 के क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन जो हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2023 के हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 70 से 80% आपके क्वेश्चन 2023 के हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन 2022 के होंगे, 2018 के, 2020 के होंगे, कुछ क्वेश्चन पुराने होंगे, बाकी हर क्वेश्चन आपके अपडेटेड क्वेश्चन हैं। उद्देश्य यही रहता है कि हर बच्चा एकदम अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ेगा, नया क्वेश्चन पढ़ेगा तो एग्जाम में उसको मदद मिलेगा उसका। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहाँ गया भाई, हाँ यही क्वेश्चन था, ये हम लोग लगा ही लिए हैं, यही लगाए हैं, हाँ इसको लगा लिए। ये देखिए आप अगला क्वेश्चन लिखा है, एक किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, कुल कार्य का कितना भाग ए द्वारा 18 दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है, 48 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब क्या है कि एक भाग पूरा करता है 48 डेज में पूरा करता है। करा कुल कार्य का कितना भाग 18 दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में कितना पूरा करेगा, कार्य का कितना भाग। तो आप कह सकते हैं कि, या ऐसे लिख सकते हैं कि 48 दिन में एक भाग पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1/48 करेगा, 1/48 करेगा। पूछा कितने का है, 18 दिन का पूछा है, यहाँ देख लीजिए आपसे पूछा है 18 डेज का पूछा है, तो आप लिख दीजिए 18 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/48। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे कई बार में मेरे भाई, 24 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, तो 3/8 आएगा, 3/8 आएगा। देखिए कहीं पर दिया 3/8, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, ए अकेले पूरी दक्षता के साथ, दक्षता मतलब क्या होता है, इनकी क्षमता होता है, दक्षता के मतलब क्या होता है, इनकी क्षमता होता है, इनके कार्य करने की स्पीड होती है। ए पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप कह सकते हैं पूरी दक्षता का मतलब होता है 100%, 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है, 20 डेज के बराबर है। करा इसकी दक्षता 20% कम हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि अगर 1% की वैल्यू निकालना हो, क्या निकालना हो आपको, 1% की वैल्यू निकालना हो तो आप 1% बराबर क्या लिख सकते हैं, 20/100, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 20/100 डेज। 20% कम कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 80%, तो 80% निकालने के लिए क्या कर देंगे, 80 × 20/100, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा।
इसी को सॉल्व करके बताइए। देखिए 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे पांच बार में, 5 से काटेंगे 80 को 16 बार में, 16 25 80 होता है, तो 16 दिया है ऑप्शन में। सॉरी, ये उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक सेकेंड। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, सॉरी गलती हो गई हमसे क्वेश्चन को सही से फेस यहाँ पे करने में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर गलती क्या हुआ है भाई, जाहिर सी बात है कि किसी भी आदमी की अगर क्षमता घटेगी तो समय उसको ज़्यादा लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ए ही है। अगर मैं इसकी बात करूँ वास्तविक की अगर मैं बात करूँ और ये करूँ करंट मतलब वर्तमान की, ये वर्तमान की बात हो रहा है, ध्यान समझिएगा। वास्तविक कितना इसका 100% है, अब करा 20% कम हो जाए, 20% कम हो जाने का मतलब है कि यह हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। ये इनकी क्या है? ये इनकी दक्षता है, मतलब क्षमता है, इफिशियंसी है। ये क्या है इनकी? ये इनकी क्षमता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, परसेंट से परसेंट पहले हटा दीजिए आप, ठीक है। 20 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, ठीक है, आएगा इतना। अगर क्षमता का उल्टा करेंगे तो इनके समय का अनुपात आएगा, क्या आएगा? समय का अनुपात आएगा। तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस 5 की वैल्यू कितना है, 5 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, सॉरी 5 नहीं, 4 की वैल्यू कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 4 को अगर 20 बनाना है तो आपको 5 गुना करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 5 गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे, 5 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से लगाइए सवाल को, अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, हमने क्वेश्चन को अलग तरीके से पेश कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर जब भी कभी दिया जाए इनकी क्षमता पर आधारित सवाल तो क्षमता लिखिएगा, क्षमता का उल्टा होता है समय का अनुपात, अगर समय देगा तो समय का उल्टा होता है क्षमता का अनुपात, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए यहां पर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अभी हम लोग, हाँ आइए 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलिए लिखा, यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है तो वह उस कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सोचिए किसी कार्य का 2/3 भाग पूरा करने में इसको क्या लगता है, 12 दिन का समय लगता है। तो एक भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, आप बता सकते हैं कि 12 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। एक भाग पूरा करने इसको लगेगा 18 डेज, ठीक है। एक भाग पूरा करने में इसको क्या लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। पूछा क्या है आपसे, 1/6 भाग, 1/6 का मतलब है 6 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए और 6 से यहाँ, 6 से काटेंगे 18 को लगेगा 3 डेज, कितना लगेगा, 3 डेज लगेगा, 3 दिन। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लगा लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए देखिए CPSI में पूछा गया सवाल है 2023 में, एकदम नया सवाल है ये, पिछले साल का क्वेश्चन है आपका, 24 अभी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एसी बंद करवा दीजिए। यहां पे देखिए 1 नंबर का लिखा है, एक श्रमिक 12 दिन में एक कार्य को, सॉरी क्या लिखा है, ऊपर चला गया ये, हाँ अब देखिए, एक श्रमिक, इसको हटाइए भाई, इस पर कहां से आ गया, एक श्रमिक 12 दिन में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सोचिए अब कि 12 दिन में क्या कर, 3/5 भाग पूरा करने में इसको क्या लगता है, 12 दिन का समय लगता है। तो एक भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा इसको, एक भाग पूरा करने में लगेगा 12 × 5/3, 3 से काटेंगे इसको 4, 4×5 = 20 आएगा, क्या आएगा, 20 दिन लगेगा इसको, ठीक है। एक भाग पूरा करने में 20 दिन लगेगा, कह रहा 3/4 भाग, तो अगर एक भाग बराबर 20 दिन है, सोचिए एक बराबर क्या है, 20 के है, तो 3/4 पूछा है ना, तो 3/4 यहाँ पर हो जाएगा, 3/4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको कई बार में, 5, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 आएगा आंसर आपका, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए लिखा, एक बगीचे की सफाई में 6 घंटे का समय लगता है,
2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है? सोचिए, अगर एक भाग साफ करना है, बगीचा पूरा कंप्लीट साफ करना है, तो आप कहेंगे पूरा बगीचा, और पूरे बगीचे का मतलब होता है बगीचे का एक भाग। एक भाग कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। या उल्टा बोल सकते हैं आप कि 6 घंटे में पूरा बगीचा साफ हो जाता है। तो 1 घंटे में कितना होता होगा? 1 घंटे में होता होगा 1/6। करा कितने घंटे में? 2 घंटे 30 मिनट में। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटा। और 2.5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 सही 1/2, तो 2 × 4 = 5/2, कितना हो जाएगा? 5/2। तो देखिएगा, अगर आपको 5/2 लिखना है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 5/2 लिखना है तो 5/2 घंटा यहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5/2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12 × 24 कितना आएगा? 5/24 आपके सवाल, सॉरी ये 12 नहीं भाई, यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था 6, यहाँ पे क्या लिखा है? 6 लिखा है यहाँ पर, 6, ठीक है। तो यहाँ पर 5/2 क्या हो जाएगा? 6। तो 5/12 आपके सवाल का आंसर आएगा। 5/12 देखिए कहीं पर दिया है क्या? 5/12 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। भाई पूरा बगीचा साफ करने में आपको क्या लगता है? पूरा बगीचा साफ करने में आपको लगता है 6 घंटे का समय। तो 6 घंटे में क्या करते हैं? एक भाग पूरा साफ। एक भाग का मतलब कि पूरा पूरा बगीचा साफ हो गया आपका। 6 घंटे में जब एक भाग साफ होता है तो 1 घंटे में 1/6 होगा। करा 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 2.5 घंटा होता है। तो 2.5 घंटे मतलब क्या? 5/2। तो 5/2 से गुणा जब यहाँ करेंगे तो 5/2 से गुणा यहाँ करेंगे, और 5/2 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 × 12 मतलब 5/12 आपके सवाल का आंसर आएगा। 5/12 आपके सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई। लिखा है ए अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिन में पूरा करता है। 50 दिन में ए द्वारा कितना परसेंट काम किया जाएगा? सोचिए, पूरा भाग, आधा भाग मतलब क्या होता है कि आधा भाग अगर 150 दिन में पूरा करता है तो पूरा भाग करेगा 300 दिन में। सोचिए, जाहिर सी बात है भाई, अगर मुझे कोई बुक है, मेरे पास कोई बुक है और इस बुक में कितने पेज है मुझे नहीं मतलब है उससे, मेरे पास एक कंप्लीट बुक है और इस बुक को अगर मैं आधा पेज, मतलब 300 पेज की किताब है, कितने पेज की किताब है? 300 पेज की कोई किताब है, इसको मैं अगर आधा पढ़ता हूँ तो मुझे 10 दिन लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 150 पेज पढ़ रहे हैं, 150 पेज अगर पढ़ रहे हैं तो आपको मान लीजिए 10 दिन का समय लगता है, 10 दिन का समय लगता है। तो कोई कह दे आपसे कि भाई ये बताइए, अगर पूरी किताब पढ़ना हो तो कितना समय लगेगा? आपने कहा अगर मुझे 150 पेज पढ़ने में 10 दिन लगता है तो किताब में तो 300 पेज है, मतलब इसका दुगुना करना है। 300 पेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका दुगुना करना पड़ेगा। अगर इसका दुगुना करेंगे आप तो यहाँ पर भी इसका क्या करना पड़ेगा? दुगुना, मतलब क्या लगेगा आपको? 20 दिन का समय लगेगा भाई। 20 दिन में पूरी किताब आप पढ़ के साइड कर देंगे। सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप। यहाँ पर क्या दिया है कि ए अकेला किसी कार्य का आधा भाग, तो आप कहेंगे आधा भाग मतलब क्या? 1/2। आधा भाग पूरा करने में लगता है इसको क्या? 150 दिन, 150 दिन का समय लगता है, 150 दिन का समय लगता है। तो कह रहा 50 दिन में किताब का कितना परसेंट पूरा हो पाएगा? 50 दिन में। अब सोचिए 150 दिन में जब आधा पड़ता है तो 50 दिन में कितना पड़ेगा? या पर ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 दिन में वह आधा पड़ता है। आधे का मतलब कितना होता है? 50% होता है। आधे का मतलब कितना होता है? 50% होता है। तो कह रहा है कि 50 दिन में कितना पढ़ेंगे, तो इसको अगर 50 बनाना, सोचिए इसको अगर 50 बनाना है आपको, तो 50 कैसे बनेगा? जब 1/3 से आप यहाँ पर भाग देंगे, 1/3 से यहाँ भाग देंगे 50 बन जाएगा। तो 1/3 से भाग यहाँ भी देना पड़ेगा आपको, 1/3 से भाग यहाँ भी देना पड़ेगा। और जब 50 में आप 3 से भाग देंगे ना तो कितना आएगा? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है, ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। चाहे 16 सही 2/3 कहिए, चाहे 16.666 .. आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या आएगा? ऑप्शन आपका बी आएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। लिखा है ए, यदि ए द्वारा, यदि ए किसी कार्य का 20% 6 दिन में पूरा करता है तो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, समाप्त करेगा? आप कह सकते हैं कि 20% काम करने में इसको लगता है 6 दिन का समय, 6 डेज का टाइम लगता है,
कितने समय का, 20% काम को पूरा करने में। कह रहा है कितने समय में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, तो कार्य अगर पूरा करना है तो कोई भी चीज़ कितना होता है, कोई भी चीज़ कंप्लीट हम तब मानते हैं जब वह 100% होता है, जब वो कितना होता है 100% होता है। 20% पूरा करने में 6 दिन लग रहा है तो हम कहेंगे भाई 20 को 100 तक ले जाओ। अगर 20 को 100% बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 20 × 5 = 100। अगर यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 6 × 2 = 6 कितना होता है, 30 दिन लगेगा। कितना समय लगेगा, 30 डेज लगेगा। ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सोचिए 2023 में पूछा गया है MTS के एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग लगा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके 2023 को, मैं पहले ही बता चुका था और मैं हर क्लास में बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं बोर्ड पर, वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन, 70 से 80% क्वेश्चन आपके मेरे भाई सब 2023 के ही क्वेश्चन हैं। 2023 के क्वेश्चन एकदम अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि आप अगर जल्दी के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे की परीक्षा का आप गेस कर सकते हैं कि हाँ इसी पैटर्न पर इसमें वैकेंसियाँ करा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पता चला 2024 में आप आ गए और क्वेश्चन लगाएंगे 2012 का पढ़ाई सिलेबस देख के आप 2024 का एग्जाम देंगे तो जीवन में कभी सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। हमेशा आप क्या करिए, साल भर 2 साल पहले की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ा करिए। ठीक है कि आज इस समय ट्रेंड में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, जैसे समय समय पर कपड़े बदलते रहते हैं फैशन के हिसाब से, वैसे वैसे क्वेश्चन के भी तरीके बदलते रहते हैं आपके। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स लड़के किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब एक्स लड़के किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब लड़कों की संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्स लड़के हैं वह किसी कार्य को 80 दिन में पूरा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है 2x लड़के उसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। सोचिए एकदम सामान्य से एकदम व्यवहारिक जीवन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कुछ है नहीं, अगर आप चाहें तो ओरल क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन भाई लगाने के लिए कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा आपको। सोचिए अगर मान लीजिए आपके परिवार में 10 लड़के हैं, यानी आप 5 मानिए, कितना मानिए, 5 मानिए, आपके परिवार में क्या है, 5 लड़के हैं और खेत में काम करना है, खेत को उनको जोतना है, ठीक है। यहाँ पर मैं खेत भी बना दे रहा हूँ, एकदम व्यवहारिक जीवन पर लेकर चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आपके परिवार में 5 लड़के, इस खेत को जोतना है उनको अपने हाथों से, ट्रैक्टर वैक्टर की सुविधा नहीं है, तो मान लीजिए उनको लगता होगा 20 दिन का समय, 20 डेज लगता होगा। हमने कहा हाँ ठीक है 5 लड़के हैं, 20 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। हमने कहा अगर 10 लड़के होते, कितने लड़के होते, 10 लड़के होते, तब क्या करते आप, तो आप लोगों के मन में क्या आएगा कि अगर इसको 10 बनाया गया तो यहाँ पर 2 से गुणा किया गया होगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा करेंगे, मतलब अब लगेगा 40 दिन। ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब 5 लड़के थे तो पूरा खेत जोतने में उनको 20 दिन लगता था, आज लड़के 10 हो गए हैं तो क्या उनको 40 दिन लगेगा, ये सवाल ही नहीं होता कि ऐसा लगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर अगर दुगुना करेंगे तो इसका आधा करेंगे, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। अब इनको 10 दिन ही लगेगा, इनको क्या लगेगा, 10 डेज ही लगेगा। भाई लड़कों की संख्या बढ़ रही है तो काम और जल्दी पूरा हो जाएगा, काम ज़्यादा नहीं लगेगा समय पूरा, इसको मतलब समय दुगुना नहीं होगा, समय आपका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स लड़के थे 80 दिन लग रहा था, तो अगर लड़के आपके 2x हो गए तो 80 नहीं, अब कितना दिन लगेगा इनको, ऐसे लिख दीजिए, एक्स लड़के थे तो 80 दिन लगता था, ठीक है। अगर 2x लड़के हो गए, 2x लड़के हो गए तो इनको 80 दिन नहीं लगेगा, इनको क्या लगेगा, 40 दिन ही लगेगा। भाई लड़के दुगना हो गए हैं, अब काम तो आधे समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन कह क्या रहा है, कार्य का आधा भाग करना है, मतलब कार्य को पूरा नहीं करना है, आधा, जब पूरा करते तो 40 दिन लगता, आधा करेंगे तो 20 दिन ही लगेगा, तो आधा काम करना तो इनको क्या लगेगा, 20 डेज ही लगेगा। मतलब ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, 20 दिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा काम करवाते तो 40 दिन लगता, लेकिन करा काम को आधा ही करके छोड़ दीजिए, जब आधा करवाएंगे तो 20 दिन ही लगेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही होते आसान हैं, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से जल्दीबाजी में, क्योंकि फ्लो बना रहेगा आपका वही वाला कि इसका दुगुना तो उसका भी दुगुना, तो यहाँ पे लड़का भी ज़्यादा हो रहा है और समय भी ज़्यादा लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये संभव ही नहीं है कि ऐसा चीज़ें एक क्वेश्चन में आप कर पाए, गलत बात हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सूत्र पर आधारित क्वेश्चन। पहले मैं इसको आपको फार्मूला बता देता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा,
नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए, एक होता है एम, एम का मतलब होता है आदमी, मतलब मैन। एक होता है डी, डी का मतलब होता है दिन। एच का मतलब होता है घंटा या समय। डब्लू का मतलब होता है कार्य। और आर का मतलब होता है रुपया या पैसा। ठीक है, एम डी एच, इसका फार्मूला जो बनता है एम डी एच अपॉन डब्लू आर, ऐसे लिख सकते हैं, एम वन डी वन एच वन डब्लू वन आर वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्लू टू आर टू। अब समझिएगा इस बात को, कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हर पांचों के पांचों चीज़ें दिए रहे, जरूरी नहीं होता पांच के पांचों चीज़ें, एम भी दिया रहे, डी भी दिया रहे, एच भी दिया रहे, डब्लू भी दिया रहे, आर भी दिया रहे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई दो दे सकता है, तीन दे सकता है, चार दे सकता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी है, मतलब अगर मुसीबत आपके सामने आने वाली है तो पाँच के पाँचों डाटा भी दे सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। तो इस फॉर्मेट पे लिखिए कि एम डी एच, एक घरों में मसाला यूज होता था पहले, अभी भी होता होगा यूज, एम डी एच मसाला का नाम आप लोग सुने होंगे, एम डी एच मसाले का नाम आप लोग सुने होंगे। इसी मसाले से याद रखिएगा, एम डी एच ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, काम और पैसा, मतलब वर्क करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। तो ये नीचे रहेगा, बाकी एम डी एच कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन बहुत लगेंगे आपके। ठीक है, जो ठेकेदारी के सवाल होते हैं, जो ठेकेदारी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मजदूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भोजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके इसी बेस पर लगेंगे। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। बाकी ये बातें क्वेश्चन पर, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन लिखा है कि 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। तो एम का मान देखिए, पहले क्या दिया है 14 व्यक्ति, मतलब ये हो गया एम वन, 60 दिन में ये क्या हो गया डी वन। आगे बढ़ते रहिए तो उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति मतलब व्यक्ति दोबारा आ गया, व्यक्ति क्या आ गया दोबारा, ये क्या हो गया एम टू। व्यक्तियों को बनाने में कितना समय, क्या पूछा कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो डी का मान पूछ रहा है, यहाँ पर दिन दिया था, पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, मतलब डी टू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बसरते वे सभी समान दर पे काम कर रहे हों, मतलब जितनी क्षमता सबकी है सबकी क्षमता बराबर बराबर है, कोई लापरवाह नहीं है, कोई बहुत तेज नहीं है, सबकी क्षमता क्या इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एम वन दिया है, डी वन दिया है, एम टू दिया है, डी टू दिया है, केवल दो दो चीज़ दिया है, तो लिख दीजिए आप ऐसे यहाँ एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सबके सब डाटा दिए जाएं, जो देगा वही लेकर हम सॉल्व करेंगे। एम वन की वैल्यू कितना है आपका यहाँ पर 14 है, डी वन की वैल्यू मेरे भाई 60 है, कितना है 60 है, उसके बाद एम टू की वैल्यू देखा जाए तो 30 है, और डी टू की वैल्यू आपको फाइंड करना है, निकालना था। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 30 से काटेंगे 60 को, दो बार में कटेगा, 14 दुना 28 आएगा, 14 दुना 28 दिन 28 डेज आएगा डी टू का मान। तो 28 कहाँ दिया है, ऑप्शन आपके डी में दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे अगले क्वेश्चन पर, यहाँ नहीं इधर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए 69 श्रमिक को काम पर लगा दिया, 20 डेज में पूरा करने के लिए 69 श्रमिक को काम पर लगा दिया, काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियुक्त करेगा। कह रहा है काम को मैं 12 दिन में चाहता हूँ पूरा हो जाए, तो अभी तक 20 दिन में पूरा चाहता था, अब चाहता मैं 12 दिन में ही पूरा कर दूँ, श्रमिक पढ़ाना पड़ जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई 69 श्रमिक पहले से थे, आप एक श्रमिक और लगा दीजिए, बस काम पूरा हो जाएगा, इसी को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। बताइए ध्यान से देखिएगा, 4 से काटेंगे इसको 5 बार में, 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, नहीं 4 से काटेंगे, हाँ 3 बार में काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको 3 दूनी 6 3 3 9 23 आएगा, 23 में अगर 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 5 100 3 5 15 115 आएगा, क्या 115 हो जाएगा। यहाँ पर 115 में क्या करेंगे आप, 69 घटा दीजिए, ठीक है तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से अगर 9 कम करेंगे तो आएगा 6, और बचा 10, 10 में 6 46 आएगा, कितना आएगा 46 दिया है कहीं पर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि 17 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, क्या लिखा है 17 लोग, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 17 लोग हैं प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, एम हो गया एच हो गया, और 14 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है डी हो गया। तो लिखा 12 लोग, यहाँ पर एम टू की वैल्यू क्या दिया है 12 लोग,
प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर डी का मान पूछ रहा है, क्या मान पूछ रहा है, डी2 का मान पूछ रहा है, हमने ले लिया डी2 यहाँ पर। अब काटिए इस वैल्यू को, जो कटे काट दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे 8 को, 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 14 को, 7 बार में कटेगा, और कटिए भाई क्या आएगा, अब तो कुछ कटना नहीं है, तो 7 × 7 49 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, 7 × 1 = 4 = 11, 119/12 कर देंगे, ठीक है 119/12, 12 से भाग दीजिए, 12 × 98, 12 × 9 = 108, 12 × 9 कितना होता है 108, 12 × 9 = 108 हो गया, कितना बचेगा आपका 9 उधर और 1 इधर 10, ठीक है, तो 10/2 कितना हो जाएगा भाई, 12 × 120 होता है, इसको एक सेकंड देखिए, 4 से काटे इसको 2 बार में, 2 से काटे 14 को 7 बार में, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 11, 119 आ गया। अब इसको काटिए भाई, 12 × 9 = 108 होता है, 12 × 9 = 108 हो गया, बचा क्या 8, 9 इधर 2 इधर, 9 × 2 = 11/12, क्या आएगा 11/12, 9 × 11/12, 9 × 11/12 कहीं दिया है 11/12 तो दिया ही नहीं है, 17 लिख दिए हैं क्या यहाँ पर, गलती देखिए यहाँ पर हो गया भाई, ये 17 लिखा गया है, होना चाहिए था 7, चलिए आइए हटाइए इसको फिर से, कैलकुलेशन में गलती तो होगी, यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 14 दिन में काम को पूरा करते हैं, फिर लिखा है 12 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही दिया है, वहाँ पे हमने 7 को लिख दिया था 17, इसलिए कट नहीं रहा था वैल्यू। देखिए 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, ठीक है, और काटिए कुछ कटेगा, 4 × 3 = 12 हो गया, सही है, 2 से काटेंगे इसको 7 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 × 3 = 12 हो गया। अब इधर गुणा करेंगे 7 × 7 कितना होगा 49, और इधर क्या आएगा आपका 4 × 3 कितना होगा 12, गुणे क्या D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D2 बराबर हो जाएगा 49/12, 49/12, इसको और सॉल्व करें, 12 × 4 = 48, 4 × 1/12, 4 × 1/12 देखिए कहीं दिया है, 4 × 1/12 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वही तो मैं कह रहा था कहाँ से गलती हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेना, क्या लिखा है, सेना के एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 25 दिन की भोजन सामग्री थी, 500 सैनिक हैं, इनके लिए 25 दिन की भोजन सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है, लिखा यदि पहले दिन ही 125 सैनिक सेवा शिविर में और आ जाते हैं, मतलब अभी तक देखा जाए तो 500 सैनिक थे, इस 500 सैनिकों के साथ साथ 125 सैनिक आपके शिविर में और आ जाते हैं, तो भोजन कितने दिन चलेगा, हमने लिख दिया भोजन D2 दिन चलेगा। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके बताइए, इसको क्या करिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 500 × 25 लिख दीजिए, और इसको देखिए कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, इसी को कैलकुलेट करिए भाई, काटिए इस वैल्यू को, 25 से काटेंगे 1 बार में, 25 × 5 कितना होता है 625 होता है, और 25 से इसको काटिए कितने बार में, यहाँ पे आएगा 4 × 4 = 16, 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, देख लीजिए 25 × 50 होता है ना, D2 बराबर क्या आएगा 20 आएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजू और अकबर एक कंप्यूटर को क्रमशः 12 पेज और 48 पेज करने में 6 घंटे और 8 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लेते हैं। देखिए अगर मैं राजू की बात करूँ, अगर मैं राजू की बात करूँ और कौन है अकबर है, अकबर है, यहाँ पे क्या लगता है 32 पेज इनको पूरा करने में 4 घंटे का समय लगता है और इनको 48 पेज पूरा करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पर 6 × 8 = 48 और 4 × 8 = 32, 8 यहाँ पर भी आया है, 8 यहाँ पर भी आया है, लिखा है कि 256 पेज टाइप करना है इनको, 256 पेज टाइप करना है, और यदि वो दोनों अलग अलग कंप्यूटरों के साथ काम करें तो एक ही समय पर काम शुरू करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए 256 पेज टाइप करना है, 8 काम ये करेंगे क्योंकि सिस्टम 2 रखा है, तो 8 कितना हो गया 16 काम करेंगे, 16 से काटेंगे 256 को, क्या आएगा 60, 16 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर,
यहाँ पे क्या लिखा है, एक कार्य को 8 लड़के 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 2 लड़के 24 दिन में काम। सेम सवाल है आपका, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन जब रिपीट किया है पहला क्वेश्चन आपका स्किप किया गया है, ध्यान से देखिए। चलिए इसको पढ़िए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 20 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई संख्या इनकी थी मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए व्यक्ति की संख्या क्या थी, एक्स थी, एक्स आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा है यदि 10 व्यक्ति कम आए, कम कर दी जाए, मतलब 10 व्यक्ति कम कर दी जाए, एक्स माइनस क्या कर दी जाए 10 कर दिए जाएँ, तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगता है, मतलब यहाँ पर 90 दिन लग रहा था तो यहाँ पर क्या लगेगा अब 100 दिन लगेगा। पूछा है शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी थी, इसी को सॉल्व करिए, यहाँ पर हो जाएगा 90x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100x, यहाँ पर क्या आएगा आपका 100x, 100x इंटू माइनस क्या हो जाएगा 1000, इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 10x, x बराबर क्या आएगा 100, x बराबर क्या आएगा 100, मतलब 100 आदमी शुरू में थे, कितने आदमी शुरू में थे 100 आदमी आपके शुरू में थे, ठीक है। तो चलिए 20 क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, थैंक यू सभी को।